अलीगढ़ के सेक्टर 45 बुडेल के वाल्मीकि मोहल्ले में दिन दहाड़े तीन युवकों पर गोलियां चलाकर आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने सोनू शाह के ऑफिस के बाहर गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि इस घटना में सोनू शाह की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन कर रही है। बता दें कि सोनू शाह कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोनू शाह की हत्या की जिम्मेदारी ली है। जानकारी के अनुसार बुड़ैल में दिन दहाड़े सोनू शाह के दफ्तर में अचानक तीन लोग घायल हुए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अंदर बैठे सोनू शाह व दो अन्य युवकों को घायल कर दिया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी पैदल ही उसके दफ्तर में दाखिल हुए थे और हमला करने के तुरंत बाद ही मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश कर रही है। हमले में तीनों घायलों को सेक्टर 32 हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर सोनू शाह को मृतक घोषित कर दिया गया है। एसएसपी नीलांबारी जगदाले व एसपी क्राइम विनीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।